गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास ट्वेल्थ के लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। और क्लास ट्वेल्थ में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या किया था, हमने स्टार्ट किया था क्लास ट्वेल्थ में, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट कर दिया है। इससे पहले वाले लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या किया था, बहुत ही बेसिक सा एक इंट्रोडक्शन दिया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में मतलब ये पूरा पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो मॉड्यूल है उसमें पढ़ने क्या वाले, और इसमें जो अलग अलग चैप्टर्स आने वाले हैं उसके बारे में भी थोड़ा बहुत बताया था। ठीक है, अच्छा, अभी जो प्रेजेंट चैप्टर चलने वाला है उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब रुके हुए चार्जेस की कहानी। अब रुके हुए चार्जेस की कहानी को ही हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक नाम के चैप्टर से पढ़ेंगे। अच्छा, कल वाले दिन पे मैंने मेडिकल वाले बच्चों के लिए एक लाइव सेशन ऑर्गेनाइज किया था गूगल मीट पर। आज मैं क्या करने वाला हूँ, जेई वाले बच्चों के लिए एक लाइव सेशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ठीक है, अब उस लाइव सेशन में क्या होगा, देखो अगर थिंग्स गो वेल, मतलब अगर सब कुछ सही होगा, देन वील स्टार्ट टीचिंग ऑन दैट प्लेटफॉर्म ओनली। मतलब आई फाइंड इट क्वाइट कम्फर्टेबल, ऐसा कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पर। तो अभी देखते हैं, अभी डिसाइड नहीं किया हमने कि क्या करना चाहिए, लेकिन अगर वहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस से काम चल जाएगा तो फिर ये करने का फ़ायदा मेरे को नहीं लगता कुछ खास होगा। या फिर हम देखेंगे कि दोनों पैरेलली चला दिया जाए। अब अगर किसी को ऑनलाइन क्लासेस में प्रॉब्लम हो रहा होगा तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो ऑफलाइन जो चलता है वो तो चलता ही रहता है। ठीक है, ऑफलाइन नहीं, ये भी यूट्यूब पे जो वीडियो अपलोड हो रहा है वो भी चलता रहेगा। ठीक है, अच्छा, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक में मैंने क्या किया था, चार्ज का डेफिनेशन बता दिया था, दो तरह के चार्जेस होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, ये भी बता दिया था। पॉजिटिव चार्जेस का मतलब इलेक्ट्रॉन का कंसेंट्रेशन कम है, नेगेटिव चार्जेस का मतलब इलेक्ट्रॉन का कंसेंट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि मेथड ऑफ चार्जिंग, एक ऑब्जेक्ट को चार्ज कैसे किया जाए ये मैंने आपको समझाया था। तो मेथड ऑफ चार्जिंग में हमें याद क्या रखना है, दो मेथड है। अगर आप उनको फिजिकली कांटेक्ट में लेके आओगे और रब करोगे एक दूसरे के अगेंस्ट, तो वो जो मेथड होता है वो कंडक्शन मेथड होता है। बिना कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट लाए अगर चार्ज जनरेट होता है उसको हमने क्या बोला था, इंडक्शन, मेथड ऑफ इंडक्शन। तो इस तरह से मैंने मेथड ऑफ चार्जिंग और ये सब की कहानी मैंने तुमको थोड़ी बहुत समझा दी है। अब आगे देखना स्टार्ट करते हैं। अब ये जो चार्ज है ना, चार्ज जिसका मैंने तुमको एक डेफिनेशन बताया था, ये चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। ये जो चार्ज है जिसके बारे में हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं, तो अभी क्या है ना, चार्ज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती है, और ये जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती है उसमें क्या होते हैं, कुछ क्वेश्चन आते हैं। इसलिए क्या करते हैं, इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज पे बात कर लेते हैं। सबसे पहला बात जो हम याद रखेंगे, हमेशा याद रखना है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, एक दूसरे में रिपल्शन। लाइक चार्जेस मतलब अगर पहले वाला चार्ज, मान लो पहला वाला चार्ज प्लस क्यू है और दूसरा वाला चार्ज भी प्लस क्यू है, तो दोनों क्या है, दोनों एक जैसे चार्ज है क्या? अच्छा, अब ऐसा नहीं कि मैग्नीट्यूड भी सेम, मान लो ये क्यू वन है ये क्यू टू है। लाइक चार्जेस का मतलब बोल रहे हैं कि दोनों एक जैसे नेचर के होने चाहिए। तो ये भी पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है। उसी तरह अगर मैं ऐसा बोलता कि मेरे पास दो नेगेटिव चार्जेस हैं, -Q1 -Q2, अब फिर से एक जैसे चार्जेस है, एक जैसे नेचर के चार्जेस अगर है तो यहां पर भी क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो हमें याद क्या रखना है कि लाइक चार्जेस जो है वो रिपेल करेंगे एक दूसरे को, एंड unlike charges will attract each other। एक जैसे charges में repulsion होगा, और जो unlike charges है, unlike charges मतलब अगर एक charge positive है और दूसरा charge negative है, इसमें forces कैसे दिखाएंगे, इसके कारण इसको मिला repulsion इस तरफ, इसके कारण इसको क्या मिलता है, repulsion इस तरफ। -Q2 के कारण Q1 को रिपल्शन मिला इस तरफ, -Q1 के कारण -Q2 को रिपल्शन मिला इस तरफ। लेकिन अगर मैं एक पॉजिटिव ले लूँ और एक नेगेटिव ले लूँ, तो ये दोनों अनलाइक, एक ऑपोजिट नेचर के चार्जेस हैं क्या? तो जब ऑपोजिट नेचर के चार्जेस होंगे तो ये नेगेटिव वाला चार्ज क्या करेगा, ये इसको ऐसे पास बुलाने वाला है, और ये जो पॉजिटिव नेचर का चार्ज है वो नेगेटिव वाले को क्या करने वाला है, पास बुलाने वाला है। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये कुछ टाइम तक ह्यूमंस के लिए भी वैलिड था ऐसा कुछ कंडीशन, लाइक चार्जेस रिपेल होते थे, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट होते हैं। अब नए जमाने का प्यार आ गया है जो हमारे समझ के पार है,
तो उस नए जमाने के प्यार में, आई सीरियसली मेरे को नहीं पता ये नए जमाने का प्यार कैसा है, अच्छा है, सही है, क्या है, गलत है, लेकिन फिर भी मतलब अपने चार्जेस में ऐसी कोई एम्बिग्यूटी नहीं होती, तो इंसानों के जैसे यहाँ पे दिक्कत नहीं है, चार्जेस बहुत ही समझदार है, वो नेचर के अगेंस्ट नहीं जा रहे। फिर भी ये दिस इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक, इसमें कमेंट करना सही नहीं होगा, मतलब आई एम नॉट दैट इंफॉर्मेटिव टू कमेंट ऑन दिस टाइप ऑफ टॉपिक। जो भी है, तो मैंने पहला पॉइंट क्या लिखा, लाइक चार्जेस जो होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अनलाइक चार्जेस जो होंगे वो क्या करने वाले हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने वाले हैं। ये समझ में आ गया? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट अपने को जो देखना है, नेक्स्ट पॉइंट अपन क्या देखने वाले हैं, चार्जेस आर ऑलवेज एडिटिव इन नेचर। ये जो पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट्स तुम चाहो तो लिख लो, या तुम, मेरे को नहीं लगता इतना खास कोई प्रॉब्लम होगा, जो इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट होता है उसी में उसमें उसी को बस नोट कर लेना। ये सब तो बातें हैं, सुन के भी समझ में आ जाएगा। चार्जेस आर ऑलवेज एडिटिव इन नेचर। मान लो मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास एक सिस्टम है। अच्छा, चार्ज का एसआई यूनिट कूलम्ब होता है। कूलम्ब का क्या मतलब है ये भी समझा दूंगा, लेकिन अभी के लिए इतना याद रखो। देखो, और भी उसके बहुत सारे यूनिट्स है, चार्जेस के और भी बहुत सारे यूनिट है, स्टैट, कूलम्ब, ये वो इधर उधर के यूनिट्स होंगे, लेकिन क्वेश्चन सिर्फ एसआई स्टैंडर्ड के यूनिट्स पर आता है, इसलिए सिर्फ एसआई स्टैंडर्ड वाले यूनिट्स आपको बताए गए। तो एसआई यूनिट ऑफ कूलम्ब इज, सॉरी, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब। अब मान लो मेरे पास एक ऐसा सिस्टम है और इस सिस्टम में कुछ चार्जेस रखे हुए, ठीक है, एक सिस्टम है मेरे पास ऐसा, और इस सिस्टम पे हमने क्या रखा है, कुछ चार्जेस रखा है। मान लो इसमें जो चार्ज है वो है, एक तो -2 कूलम का चार्ज है, +8 कूलम का चार्ज है, और -9 कूलम का चार्ज है, मान लो ऐसा हमारे पास है। और हमसे ये बोला गया है फाइंड द नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम, इस पूरे सिस्टम का नेट चार्ज क्या है ये बताइए, ऐसा कुछ बोला गया है। तो सिंपल सा काम क्या करना है, जितने भी चार्जेस हैं प्लस माइनस के साथ उसको क्या कर देना, ऐड कर देना। जैसे -2 और ये -9, ये -11 हो गया क्या, -11 + 8, मतलब ये जो सिस्टम है, सिस्टम का चार्ज, चार्ज ऑफ सिस्टम। और जब भी मेरे को चार्ज लिखना है तो जनरली मैं क्यू लिखूंगा या कैपिटल क्यू लिखूंगा। चार्ज ऑफ सिस्टम इस वाले केस में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 कूलम्ब का। तो बहुत ही आसान है, क्या ये बच्चों का खेल है भाई। जब भी क्या करना है, सिस्टम का चार्ज जानना है। अगर मुझे सिस्टम का चार्ज जानना है तो सिस्टम का चार्ज जानने के लिए क्या करना है, जो भी हमारे पास चार्जेस गिवन है ना सिस्टम में जितने भी चार्जेस हैं, सारे चार्जेस को क्या कर देना, ऐड कर देना। सारे चार्जेस को ऐड कर दोगे तो तुमको सिस्टम का नेट चार्ज मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास सेकेंड पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं देखूं यहां पर, नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। अब आइसोलेटेड सिस्टम क्या था सर, आइसोलेटेड सिस्टम मैंने तुमको थर्मोडायनेमिक्स में बताया है, या तुमने केमिस्ट्री में भी थर्मोडायनेमिक्स में आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा। आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसका सराउंडिंग से कोई लेना देना नहीं है, ना ही एनर्जी ट्रांसफर होता था, ना ही मास ट्रांसफर होता था। इस तरह के सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं क्या? अब अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर में आइसोलेटेड वर्ड बहुत बार आने वाला है। जैसे अभी क्या हो रहा है, जो लोग कोरोना पॉजिटिव हो जा रहे हैं उनको आइसोलेट कर दिया जा रहा है, क्या आइसोलेट कर दिया जा रहा है, उनको बोल रहा है कि भाई बाहर की दुनिया अब तुम्हारे के लिए नहीं है, तुम क्या करोगे, तुम क्वारंटीन सेंटर में ही रहोगे, ठीक है, तुम क्वारंटीन सेंटर में रहोगे एंड यू विल एंजॉय देयर ओनली, ठीक है, नो नीड टू कम इन आर हेल्दी वर्ल्ड। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, सॉरी, लेकिन फिर भी अगर कोई पॉजिटिव है, अगर कोई कोरोना पॉजिटिव है, तो इट्स हिज और हर नेशनल ड्यूटी दैट ही शुड कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम अदर पीपल, मतलब फ्रॉम यू अदर डोंट हैव टू सफर। अच्छा, थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में अगर मैं बात करूं, तो थर्ड प्रॉपर्टी हम क्या बोल रहे हैं, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम नेट चार्ज इज ऑलवेज
नेट चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड. नेट चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड का मतलब कि जो भी सिस्टम का नेट चार्ज रहने वाला है वो हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए. मान लो एक आइसोलेटेड सिस्टम बनाते हैं, एक आइसोलेटेड सिस्टम है हमारे पास इस तरह का, और इसमें क्या था, मेरे पास चार्जेस थे. मान लो Q1 का वैल्यू था +3 कूलम, Q2 का वैल्यू है +7 कूलम, और Q3 का वैल्यू है मान लो -11 कूलम, ऐसा कुछ बोला गया. ठीक है, एक आइसोलेटेड सिस्टम है हमारे पास, और आइसोलेटेड सिस्टम में कितने चार्जेस थे, 3 चार्जेस थे. Q1 का वैल्यू वॉज 3 कूलम, Q2 का वैल्यू इज 7 कूलम, एंड Q3 विल हैव अ वैल्यू ऑफ -11 कूलम. अब कुछ तो यहां पर अंदर में कुछ तो गड़बड़ी हुई, मतलब कुछ तो चेंज हुआ, हमें नहीं पता क्या चेंज हुआ, लेकिन चेंज के बाद ऐसा देखा गया कि Q1 का वैल्यू हो गया मान लो 7 कूलम, Q2 का वैल्यू हो गया मान लो 8 कूलम. आपसे पूछा गया है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ थर्ड चार्ज. ये जो इंटरेक्शन हुआ या ये जो यहां पर जो भी प्रोसेस हुआ होगा उसके कारण Q1 का वैल्यू चेंज होकर सेवन हो गया, Q2 का वैल्यू चेंज होकर 8 हो गया, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ थर्ड चार्ज. अब हमने क्या सीखा था कि अगर हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है तो आइसोलेटेड सिस्टम का नेट चार्ज हमेशा कंजर्व रखना है क्या. अब नेट चार्ज कंजर्व रखने का मतलब है कि जितना नेट चार्ज यहां पर है उतना ही नेट चार्ज यहां पर होना चाहिए, क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम है. अगर आप आइसोलेटेड सिस्टम में नेट चार्ज देखोगे यहां पर +3 +7, ये +10 हो गया और ये -11, इसका मतलब जो क्यू नेट है सिस्टम का जो क्यू नेट है वो कितना है, वो -1 कूलम का है क्या. तो अगर ये Q3 मुझे कैलकुलेट करना है, मान लो मैं इसको x मान लेता हूं. अब अगर इसको मैं x मान लूं तो ये प्लस ये प्लस ये भी इक्वल्स टू -1 आना चाहिए क्या. ऐसा क्यों, क्योंकि अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसके चार्ज को हमें क्या करना है, कंजर्व करके रखना है. तो फ्रॉम द क्वेश्चन इट कैन बी रिटन एज 7 + 8 + x = -1. अब यहां पर x का वैल्यू अगर आप फाइंड करोगे, 7 + 8 = 15 अगर उधर भेज दिया जाए तो -16 हो जाएगा क्या, x का वैल्यू -16 कूलम. बहुत ही आसान है सर, ये तो कुछ लग ही नहीं रहा अपने को, ये तो बहुत मजा आ रहा है. तो स्टार्टिंग की अगर जो प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे तो ऐसी प्रॉपर्टीज हैं. अच्छा, मैंने तीन प्रॉपर्टीज तुमको बता दिया, तीन प्रॉपर्टी क्या क्या अपने को याद रखना है. अपने को याद रखना है सबसे पहला कि जो चार्जेस होते हैं एक जैसे चार्जेस के बीच में दूरी बनाए रखनी है, और ऑपोजिट नेचर के चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन बनाए रखना है. ठीक है, दूसरा हमें क्या जानना था, कभी भी सिस्टम का नेट चार्ज फाइंड करना है, सबको ऐड कर दो, सिस्टम का नेट चार्ज मिल जाएगा. अच्छा, और अपने को नेक्स्ट क्या याद रखना है, नेक्स्ट हमको ये याद रखना है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व्ड होता है. नेक्स्ट हम बात करेंगे जो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें क्वेश्चन भी आता है. अब नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस. नेक्स्ट में हम क्या सीखने वाले हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस. अब देखो ये मैंने इंपॉर्टेंट बना के लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्वेश्चन आते हैं, कॉलेज के एग्जाम में भी क्वेश्चन आएंगे इसमें. अगर मैं चार्जेस की प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं ना, तो यही वो प्रॉपर्टी है जिसमें क्या होते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस. अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस में क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड्स के एग्जाम में भी आ सकते हैं और तुम्हारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आ सकते हैं. अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझने के लिए ना एक बेसिक एग्जाम्पल समझो. बेसिक एग्जाम्पल मतलब क्या है, मान लो तुम मार्केट में गए एग परचेज करने को, तो मार्केट में अगर एग परचेज करने गए तो तुम मार्केट में वो जो वेंडर है उनको बोला कि भाई मुझे एक दर्जन अंडे दे दो, उसने बोला कि एक दर्जन अंडे दे दो. ठीक है, तो उसने क्या किया, 12 अंडे निकाल के उसने तुमको दे दिया. तुम मार्केट जाते हो, तुम ऐसा बोलते हो क्या कि भाई साहब मेरे को 7.5 अंडे चाहिए, ऐसा बोलते हो क्या, और वो 7.5 अंडे वो दे पाता है क्या, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है ना. जब भी अंडे का ट्रांजैक्शन होता है तो वो हमेशा इंटीजर्स में होता है क्या, या तो आप 2 अंडे ले सकते हो या 10 अंडे ले सकते हो. आपने इमेजिन किया है क्या कि आपने 9.3 अंडे, आप वहां मार्केट गए और बोले कि भैया मेरे को तो 9.3 अंडे चाहिए, और आप जिद पे अड़ गए कि भैया 9.3 दोगे तभी लूंगा,
तो वो क्या करेगा ना, दो लगाएगा आपको, बोलेगा पागल जाके राहुल गांधी से मिलो तुम। तो हमें क्या करना है, जब भी अंडे परचेज करने जाते हैं तो अंडे का जो क्वांटिटी होता है वो इंटेजर्स में होता है। अब इंटेजर्स में बोल रहा हूँ लेकिन नेगेटिव नहीं, ऐसा नहीं कि मार्केट चलेगा और बोले कि भैया -5 अंडे दे दो मुझे, ठीक है। इस तरह की बेवकूफी अगर करोगे तो पिटोगे और कुछ नहीं होगा यहाँ पर। अब ये क्वांटाइजेशन, ये अंडे से मैंने क्यों तुमको बताया, क्वांटाइजेशन का मतलब है ना, कुछ बेसिक एग्जांपल्स देखते हैं अपन आयंस के फॉर्मेशन का। ये 9th-10th का केमिस्ट्री है ये, ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा केमिस्ट्री तो मेरे को भी नहीं आता। मान लो मेरे पास सोडियम का एटम है, सोडियम का एटम का मतलब 11 इलेक्ट्रॉन्स और 11 प्रोटॉन्स, उसका एटमिक नंबर 11 है ना, तो 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है इसके पास। अब अगर मुझे सोडियम का आयन फॉर्म करना है तो सोडियम का आयन कैसे फॉर्म होता है, इसके आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकाल देते हैं तो ये इस तरह का आयन फॉर्म हो जाता है क्या। एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो यहाँ पे +1 चार्ज आता है, +E- ऐसा लिखते हैं ना, बेसिक केमिस्ट्री भाई, इतनी केमिस्ट्री तो आपको भी आती होगी। तो Na को मैंने क्या लिख दिया, Na प्लस प्लस ई माइनस। अच्छा मान लो मुझे कैल्शियम का आयन बनाना होता, तो कैल्शियम का आयन बनाने के लिए कि कैल्शियम के एटम से दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं ना, तो यहां पे ऐसा लिखते हैं क्या, दो इलेक्ट्रॉन बाहर गया मतलब इसका चार्ज +2 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से लिखते हैं। मान लो एल्यूमिनियम फॉर्म करना होता, एल्यूमिनियम का आयन, तो इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, +3 इलेक्ट्रॉन। अच्छा मान लो मुझे क्लोरीन फॉर्म करना है, क्लोरीन का आयन, अब क्लोरीन का आयन फॉर्म करने के लिए क्या करते हैं, क्लोरीन का आयन जब भी फॉर्म करना होगा तो क्लोरीन का आयन फॉर्म करने के लिए क्लोरीन के एटम में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना पड़ता है क्या। क्लोरीन के एटम में से अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्लोरीन का आयन फॉर्म हो जाएगा। अच्छा अब ये जो आयन्स होते हैं यहां पर Na प्लस, ये 2 प्लस, Al प्लस, 3 Cl माइनस, ये जो आयन्स हैं वो तो चार्जेस है ना, ये जो आयन्स है वो तो चार्जेस है, और चार्जेस का फॉर्मेशन किया हमने, हमने Na प्लस चार्ज बनाया। Na प्लस चार्ज कैसे बनाया, तो Na के जो हमारे पास Na का एटम था उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला। मैंने मैंने जितने भी ट्रांजैक्शन लिखे, और भी बहुत सारे केमिकल यहाँ पे प्रोसेसेस हो सकते हैं, तुम ध्यान से अगर देखोगे तो जब भी आयन का फॉर्मेशन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो इंटेजर्स में हो रहा है क्या। देखो तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पर ऐड हुआ, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले, दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले, तीन इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ऐसा ही कुछ, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन यहां पर उल्टा लिख रहे हैं ना, उल्टा देख रहे हैं। सोडियम एटम में मैंने बोला कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया, यहां पर दो इलेक्ट्रॉन बाहर गया, यहां पे तीन इलेक्ट्रॉन बाहर गया, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, इस तरह का हो रहा है क्या। इसका मतलब जब भी एक न्यूट्रल एटम से अगर मुझे चार्ज का फॉर्मेशन करना है तो जो भी चार्जेस बाहर निकाल रहे हैं वो इंटेजर्स में निकाल सकते हैं क्या। कभी ऐसा आधा इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकते हैं क्या, कि मान लो मुझे क्लोरीन का आयन बनाना था तो मैंने क्या कर दिया, आधा इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, पॉसिबल है क्या, नहीं। अब तुम कितना भी तुम हाई लेवल का केमिस्ट्री पढ़ लो, ठीक है, इसमें हमेशा जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजैक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है, इंटेजर्स में हो रहा है। अब इसी को हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका क्या मतलब है, ये जो क्वांटा यहां पे वर्ड है ना, क्वांटाइजेशन, ये क्वांटाइजेशन वर्ड आता है क्वांटा से, ठीक है, क्वांटा, और क्वांटा का मतलब क्या होता है, डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब हो गया कि जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजेक्शन होगा या इलेक्ट्रॉन का ट्रांजेक्शन होगा, एक हुआ, दो हुआ, 10 होंगे, 1000 होंगे, करोड़ होंगे, कभी भी 1.1, 1.2, 1.7 ऐसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांजेक्शन हो रहा है क्या, नहीं। तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, डिस्क्रीट वैल्यूज मिलेंगे, या तो 1 या तो 2 या तो 3। 2 और 3 के बीच में बहुत सारे नंबर्स थे, 2 और 3 के बीच में बहुत सारे नंबर्स थे, मैंने उनको काउंटर किया क्या, नहीं। 2 और 3 के बीच में 2.5 हो सकता है, 2.7 हो सकता है, 2.78 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैंने जब इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के बारे में बात करना है तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो हमेशा इंटेजर्स में ट्रांसफर करेंगे। तो हम क्या यहां पे याद रखेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या है कि इफ चार्जेस आर टू बी फॉर्म्ड, इफ चार्जेस आर टू बी फॉर्म्ड From a neutral object, from a neutral object, transaction of electrons always takes place in integers,
ट्रांजैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज टेक प्लेस इन इंटीजर्स, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मैंने तुमको डेफिनेशन बताया, ये डेफिनेशन समझ में आया क्या? अच्छा, अब एक और डेफिनेशन या एक और तरीके से हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को लिखते हैं, जैसे ये बात तो मुझे पता है कि सर अगर मुझे चार्ज फॉर्म करना है तो इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि प्रोटॉन्स जो हैं वो तो न्यूक्लियस के अंदर आराम से बैठे हुए हैं और वहां से प्रोटॉन्स, न्यूक्लियस से प्रोटॉन्स निकालना बहुत मुश्किल काम है, तो आसानी से अगर मुझे चार्ज फॉर्म करना होगा तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स का ही ट्रांजैक्शन करने वाले हैं। अब अगर इलेक्ट्रॉन्स का ही ट्रांजैक्शन होगा, अगर इलेक्ट्रॉन्स का ही ट्रांजैक्शन होगा तो जो चार्जेस होंगे वो चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रॉन के जैसा दिखेंगे क्या? जैसे जैसे मान लो मैं बोलूं कि मुझे इसका चार्ज बताना है कि भाई ये जो सोडियम आयन है मेरे पास, इसका चार्ज क्या है, तो इसका चार्ज क्या है, जो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वही इसका भी चार्ज होगा क्या? बात समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि अगर इस तरफ न्यूट्रल है तो इधर भी तो न्यूट्रल ही होना चाहिए ना। अगर मेरे पास इक्वेशन के LHS में एक न्यूट्रल एलिमेंट है तो यहाँ पे भी समेशन करने पे भी तो न्यूट्रल ही होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि चार्जेस को कभी बनाया या मिटाया नहीं जा सकता, चार्जेस को कभी बनाया या मिटाया नहीं जा सकता। तो अगर तुम इस इक्वेशन को देखोगे, इस इक्वेशन को देखने से हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा वही सोडियम आयन का भी चार्ज होना चाहिए, लेकिन दोनों ऑपोजिट नेचर के होंगे क्या? इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर जो है वो होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो होगा वो नेगेटिवली चार्ज एक ऑब्जेक्ट है, तो ये जो प्रोटॉन, ये जो सोडियम मेरे पास है एटम, इसका चार्ज क्या होगा? ऐसे सड़ी सड़ी गाड़ियां चलाते क्यों है भाई? ये जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज, अगर इसका चार्ज नेगेटिव है तो इसका चार्ज पॉजिटिव होना पड़ेगा, और जितना ये नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव होगा, तब तो ये मिला के एक न्यूट्रल कंपाउंड बनेगा ना, मतलब एक न्यूट्रल साइड आ जाएगा हमारे पास। बात समझ में आ रहा है? या सिंपल से ऐसा समझो कि मेरे पास जो सोडियम एटम था, मेरे पास जो सोडियम एटम था उसमें क्या था, मेरे पास इस तरह से, मेरे पास जो सोडियम एटम था इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स और 11 प्रोटॉन्स थे, ऐसा ही था ना, मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है। अब इसमें से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दूं तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं? 10 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। 10 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब है कि जो 10 इलेक्ट्रॉन यहां के 10 प्रोटॉन से काउंटर बैलेंस हो जाएंगे, लेकिन एक एक्सेस प्रोटॉन बच गया क्या हमारे पास? और ये जो एक्सेस प्रोटॉन होगा उसी का नेचर डोमिनेट करेगा क्या? बात समझ में आ रहा है? अब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के चार्जेस एक जैसे होते हैं, सिर्फ डिफरेंस होता है उनके नेचर का। इलेक्ट्रॉन के चार्जेस को नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट बताते हैं और प्रोटॉन्स के चार्ज को पॉजिटिवली चार्ज बताते हैं। तो इस वाले डायग्राम के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो ये जो सोडियम एटम था या सोडियम आयन जो है, यहां पर सोडियम आयन का चार्ज प्लस चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हो जाएगा क्या? सर मेरे को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। अगर मैं बोलूं तुमको कि सोडियम आयन चार्ज लिखो भाई, तो सोडियम आयन का चार्ज कितना है? प्लस चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हो जाएगा क्या? प्लस क्यों? क्योंकि वहां पर जो प्रोटॉन्स थे, प्रोटॉन्स का नंबर एक्सेस में था, इसलिए मैंने इसको क्या लिखा है? प्लस लिखा है। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आया क्या कि सोडियम आयन के पास चार्ज कितना है? अच्छा, उसी तरह अगर मैं कैल्शियम आयन के बारे में बात करता तो कैल्शियम के पास अगर आप देखोगे तो यहां से मैंने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला है ना। अगर 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, इसका मतलब इसका चार्ज क्या हो जाएगा? इसका चार्ज, अगर मुझे कैल्शियम का चार्ज लिखना होता तो 2 × चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन लिखते क्या प्लस में? बात समझ में आ रहा है? या तो आप ऐसा लिख दो, मान लो मुझे ये चार्ज लिखना है, कुछ चार्जेस मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, अगर मुझे सोडियम एटम का चार्ज, सॉरी ये जो सोडियम आयन था इसका चार्ज अगर मुझे लिखना होता तो 1 × चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन लिखते क्या? चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, 1 × चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्लस लिखा है, इसका मतलब क्या? ये पॉजिटिव चार्ज है। कैल्शियम का अगर मेरे को, कैल्शियम आयन का अगर मुझे चार्ज लिखना होता तो क्या लिखते? 2 × चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ऐसा ही लिखते ना, हाँ या ना? अब ये चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन का मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडर कर रहा हूं, प्लस माइनस तो मैं खुद से पुट कर सकता हूं। प्लस माइनस इस बात पे डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ज्यादा है या इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन कम है। अगर इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन कम, मतलब वो पॉजिटिव चार्जेस है। तो मैंने सोडियम आयन का चार्ज क्या लिखा? 1 × चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, और मैंने कैल्शियम आयन का चार्ज क्या लिखा? 2 × चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मान लो मुझसे कोई बोलता कि एल्यूमिनियम आयन जो है उसका चार्ज लिखो भाई, तो एल्यूमिनियम का चार्ज क्या लिखते?
थ्री इंटू चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ऐसा लिख देते हैं क्या? थ्री इंटू चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, मान लो कोई मुझसे बोल रहा है कि भाई आपको क्लोरीन आयन का चार्ज लिखना है। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो गया क्या क्लोरीन आयन के केस में? अगर क्लोरीन आयन के केस में एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है, कितना एक्सेस? एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पे क्या लिखेंगे? वन इंटू चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, वन इंटू चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। और यहां पर साइन क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे। साइन माइनस क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि क्लोरीन आयन के केस में इलेक्ट्रॉन्स का कंसेंट्रेशन ज्यादा था। अगर इलेक्ट्रॉन्स का कंसेंट्रेशन ज्यादा है, इसका मतलब क्लोरीन के पास जो चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? लिखने का तरीका क्या है? तो तुम कोई भी चार्ज फॉर्म करो, कोई भी चार्ज फॉर्म करो, उसमें देखो क्या हो रहा है। इंटीजर इंटू चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इंटीजर इंटू चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इंटीजर इंटू चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इंटीजर इंटू चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रहा है क्या? प्लस माइनस कैसे पुट करना है? तो प्लस माइनस अपने समझ के हिसाब से पुट करना है। प्लस माइनस के लिए याद रखेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन्स का कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो वहां पर नेगेटिव पुट कर देना, अगर प्रोटॉन्स का कंसेंट्रेशन ज्यादा है या इलेक्ट्रॉन्स का कंसेंट्रेशन कम है तो वहां पे क्या कर देना, वहां पर इलेक्ट्रॉन्स का कंसेंट्रेशन कम है तो पॉजिटिव पुट कर देना। बात समझ में आया क्या? अच्छा, अभी ये जो क्वांटाइजेशन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, उसको एक और तरीके से लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हमने ये जो एक्सप्रेशन यहां पर देखा, उसमें ये देख रहे हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज हो रहा है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है क्या? ध्यान से देखो, तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज डेवलप हो रहा है वो चार्ज क्या है? वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है ना? हाँ या ना? देखो, इंटीजर इंटू चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को लिखने का एक और तरीका क्या होता है? चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट, चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज इंटीग्रल मल्टीपल, इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ये अपने को याद रखना है। किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज है, चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्या होगा? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा लिखते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का चार्ज अगर कैपिटल क्यू है तो वो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस एन इंटू ई माइनस। ई माइनस का मतलब हो गया, जब भी मैं ई माइनस लिख रहा हूं इसका मतलब है वो चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है। ये बात समझ में आ रहा है क्या? तो हमें याद क्या रखना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो भाई, या कोई भी चार्ज ले लो, उसका चार्ज कैसा लिखा जा सकता है? तो उसका चार्ज लिखा जा सकता है एन टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे एन का मतलब क्या है? जितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजैक्शन हुआ। अगर दो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजैक्शन होता तो 2 into चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अगर 100 का ट्रांजैक्शन होता तो 100 into चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 into 10 to power -19 कूलम्स का चार्ज हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन के पास होता है। ये बात समझ में आया क्या? हाँ या ना? अच्छा, अब अगर मैं बोलूं कि मेरे पास, तुम खुद से सोच के बताओ कि मिनिमम चार्ज जो किसी ऑब्जेक्ट में हो सकता है वो कितना होना चाहिए? ये क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट शुड बी द मिनिमम चार्ज दैट एन ऑब्जेक्ट कैन हैव, मतलब व्हाट कैन बी द मिनिमम चार्ज, मिनिमम चार्ज किसी ऑब्जेक्ट पे कितना हो सकता है? तो अगर मैं मिनिमम के बारे में बात करूं तो ये ई माइनस, ये तो कॉन्स्टेंट है ना, ये तो कॉन्स्टेंट है। अगर मैं मिनिमम के बारे में बात करूं तो एन का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है? जीरो। एन का वैल्यू जीरो रख दो, कोई चार्ज ही नहीं है। अच्छा, एन का वैल्यू नेगेटिव रख देंगे क्या? मिनिमम अगर मेरे को पूछा गया मिनिमम चार्ज, तो एन का वैल्यू नेगेटिव रख दो। एन तो यहां पे नंबर है ना भाई, ये जो एन है ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कभी नेगेटिव हो सकते हैं क्या? ये प्लस माइनस जो यहां पे लिख रहे हैं वो डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में या इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी में। एन तो मेरे पास नंबर है, नंबर तो हमेशा पॉजिटिव है ना। बात समझ में आ रहा है क्या? तो मिनिमम चार्ज अगर कोई तुमसे पूछे कि मिनिमम चार्ज विच एन ऑब्जेक्ट कैन हैव, मिनिमम चार्ज विच एन ऑब्जेक्ट कैन हैव, तो ये कितना हो जाएगा? या तो प्लस में या माइनस में चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इससे छोटा चार्ज किसी ऑब्जेक्ट पे नहीं हो सकता अपने सिलेबस के अंदर। अपने सिलेबस के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट का जो सबसे छोटा चार्ज है,
किसी भी ऑब्जेक्ट का जो सबसे छोटा चार्ज है वो क्या है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है। ये याद रखना है, ये अपने सिलेबस में यही बातें हैं जो हम याद रखेंगे। दूसरे जब हायर ऑर्डर की क्लासेस में चले जाएंगे तो बोलोगे सर आपने जो पढ़ाया था वो गलत है। हाँ तो ठीक है भाई, गलत मैंने पढ़ाया है, लेकिन अभी के लिए यही सही है, ठीक है। समय समय की बात है, सही और गलत का डेफिनेशन चेंज हो जाता है। पहले घर में बैठना वॉज अ वेरी बैड, कोई घर में बैठा है तो उसमें उसको ताना दिया जाता था, अरे घर में बैठा रहता है दिन भर, कुछ काम वाम नहीं करता है। अभी कुछ टाइम पहले वो जो ये चल रहा था, कोरोना अभी भी चल रहा है, लेकिन कुछ टाइम पहले जब लॉकडाउन चल रहा था तो मतलब वो प्रेस्टीजियस था भाई, लोग जो घर में बैठे हैं, कुटाई उनकी होती थी जो बाहर जाते थे। तो समय समय की बात है, द डेफिनेशन ऑफ सही एंड गलत विल ऑल्सो चेंज। आज जो सही है कल वो गलत हो जाएगा, और कल जो गलत होता था आज वो सही हो जाएगा। तुमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे और अपने जीवन काल में तुम भर भर के एग्जाम्पल्स देखोगे। ये हो गया हमारे पास। तो कभी भी ना खुद को बाउंड मत कर देना कि सर ये सही है वो गलत है। नहीं, सही और गलत डिपेंड करता है परसेप्शन पे। तुम्हारे के लिए जो सही होगा वो शायद मेरे के लिए गलत हो जाए, जो मेरे के लिए सही होगा वो शायद तुम्हारे लिए गलत हो जाए। ये क्वारंटीन इफेक्ट है, इतना फिलॉसफी मेरे को नहीं आता था। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझ में आया ना? अच्छा, अब मान लो इसमें एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में, कि एक ऑब्जेक्ट है, ऐसा बोला गया है, एक ऑब्जेक्ट है और इसका चार्ज जो मेंशन किया गया है वो ऐसा है 1.6 × 10⁻¹⁷। क्या ये चार्ज पॉसिबल है क्या? एक ऑब्जेक्ट है और उसमें बोला गया कि उस ऑब्जेक्ट का जो चार्ज है वो है 1.6 × 10⁻¹⁷। हम क्या जानते हैं कि जो मिनिमम चार्ज होगा किसी भी ऑब्जेक्ट पे, जो मिनिमम चार्ज होगा वो 1.6 × 10⁻¹⁹ है क्या? हाँ या ना? अगर किसी ऑब्जेक्ट पे मिनिमम चार्ज 1.6 × 10⁻¹⁹ है तो क्या ये चार्ज किसी ऑब्जेक्ट पे हो सकता है क्या? ये मेरे पास Q का वैल्यू गिवन है कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका चार्ज 1.6 × 10⁻¹⁷ है और मुझसे ये पूछा गया है कि क्या किसी ऑब्जेक्ट के पास इतना चार्ज हो सकता है 1.6 × 10⁻¹⁹। तो जब भी चेक करना हो ना, तो चेक करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना? Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन इंटू ई माइनस, ये यूज करना हमेशा। जब भी तुमको चेक करना है कि क्या किसी ऑब्जेक्ट पे ये चार्ज हो सकता है, वो चेक करने के लिए आप फॉर्मूला क्या यूज करो? Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई। अभी प्लस माइनस तो मैग्नीट्यूड के लिए होते हैं, सॉरी डायरेक्शन के लिए होते हैं, उसके बारे में बात नहीं, सॉरी ये जो प्लस माइनस है वो नेचर के लिए होते हैं, उसके बारे में बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात करूं। तो इन प्लेस ऑफ Q वी कैन राइट एज 1.6 × 10⁻¹⁷ इक्वल्स टू n। अब अगर n का वैल्यू इंटीजर आ जाए, तो वो पॉसिबल हो जाएगा ना? लेकिन अगर n का वैल्यू फ्रैक्शन हो जाए तो ये पॉसिबल हो पाएगा क्या? नहीं। हमने क्या देखा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। मतलब जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करते हैं तो वो इंटीजर्स में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, वो 1, 2, 3, 10 करोड़ ऐसे ट्रांसफर करेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि 1.1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं। तो 1.6 × 10⁻¹⁷ n इंटू 1.6 × 10⁻¹⁹। 1.6 से ये 1.6 अगर मैं कैंसिल आउट कर दूं तो n का वैल्यू हो रहा है 10⁻¹⁷ डिवाइडेड बाई 10⁻¹⁹। थोड़ा बहुत भी अगर अपने को मैथ्स आता है, अगर बचपन में किसी ने मैथ सिखाया है हमें, तो ये माइनस 19 जब ऊपर भेजेंगे तो प्लस 19 हो जाएगा क्या? माइनस 17 प्लस 19 जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये 10⁻²² हो जाएगा। अब 10⁻²² को प्यार से 100 भी लिख सकते हो। अब 100 इंटेजर है क्या? हाँ सर, 100 तो इंटेजर है। अगर 100 इंटेजर है मतलब एक ऑब्जेक्ट में 1.6 × 10⁻¹⁷ कूलम का चार्ज पॉसिबल है। बात समझ में आया है क्या? मान लो इसी क्वेश्चन में मैं बोलता कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी ऑब्जेक्ट के पास 1.6 × 10⁻¹⁰ का चार्ज है। मान लो अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो यहां पे क्या करते? सेम अप्रोच वैसा ही होता, यहां पे −21 रखते, यहां पर भी −21 रखते। जब आप इसको सॉल्व करते तो ये −19 जब ऊपर जाता प्लस हो जाता, तो ऐसा हो जाता क्या? n इक्वल्स टू 10⁻¹⁪। अब ये पॉसिबल है क्या? किसी ऑब्जेक्ट के पास मतलब कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए? 1/100 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए। पॉसिबल है क्या? नहीं। तो ये पूरी कहानी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की। आई होप ये कहानी तुमको समझ में आई हो। इसमें क्वेश्चन आएंगे भाई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में, हाँ या ना? ये डेफिनेशन क्लियर है क्या? अच्छा, अब इसमें क्या करते हैं, एक
सिंपल सा क्वेश्चन ये देखते हैं। मैंने क्या बताया था कि एसआई यूनिट चार्ज का एसआई यूनिट कितना बताया था तुमको, चार्ज का एसआई यूनिट था हमारे पास 1 कूलम। क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिखो, फाइंड व्हाट मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी ट्रांसफर्ड, फाइंड व्हाट मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी ट्रांसफर्ड इन ऑर्डर टू हैव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम। फाइंड व्हाट मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी ट्रांसफर्ड इन ऑर्डर टू हैव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम। ट्राई करके देखो, अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट के पास 1 कूलम का चार्ज चाहिए, मतलब किसी ऑब्जेक्ट में जो चार्ज होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1 कूलम का अगर होना चाहिए तो कितना इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करना पड़ेगा जिससे 1 कूलम का चार्ज डेवलप हो सके, ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन है कि जो ऑब्जेक्ट का चार्ज है, ऑब्जेक्ट का जो चार्ज है वो 1 कूलम चाहिए क्या हमें, अच्छा, और मुझसे पूछा गया व्हाट मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी ट्रांसफर्ड। अब वो प्लस में है माइनस में है वो डिपेंड करता है कि एक्सेस में कौन होगा। मुझसे ये पूछा गया है कि एन का वैल्यू क्या रखा जाए जिससे किसी ऑब्जेक्ट पे जो नेट चार्ज है, किसी ऑब्जेक्ट पे जो नेट चार्ज है वो क्या हो जाए, 1 कूलम के बराबर आ जाए। अच्छा, हम बेसिक फॉर्मूला क्या जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पास जो चार्ज है, किसी भी ऑब्जेक्ट के पास जो चार्ज है उसको क्यू एन इंटू चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन से लिखते हैं क्या, मैं प्लस माइनस नहीं लिख रहा, प्लस माइनस मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा तुमको। क्यू का मतलब क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, क्यू का मतलब क्वेश्चन के हिसाब से है 1 कूलम। इक्वल्स टू एन मुझे कैलकुलेट करना है, और ई माइनस चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज है तो 1.6, एक इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज है वो है 1.6 इंटू 10^-19 कूलम। किसी ऑब्जेक्ट के पास कितना चार्ज है, 1.6 इंटू 10^-19 कूलम। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो n का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10^-19 कूलम। कूलम से कूलम गायब। इसको और अच्छे से अगर लिखना चाहेंगे, और अच्छे से लिखने के लिए क्या करते हैं, ये 10^-19 को जब ऊपर भेजेंगे तो वो 10^+19 हो जाएगा क्या, ऐसा हो जाएगा ना, 1 × 10^19 डिवाइडेड बाय 1.6, इसको लिख दो 16, इसको लिख दो 10, ये लिखा जा सकता है, इसका एक जीरो यहां पे भेज दो तो ये हो जाएगा 100/16 × 10^18, 100/16 × 10^18 ऐसा लिखा जा सकता है। अब इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा ना तो n का वैल्यू कितना आ रहा है, 6.25 आता है ना, एक बार चेक कर लेते हैं, 16 96 6 हो गया, 96 40 40 मतलब दो, हाँ 6.25 × 10^18। फिर से n इंटीजर आ गया क्या, n इंटीजर है या फ्रैक्शन है, 6.25 इंटीजर है या फ्रैक्शन है, सर ये भाई साहब ये फ्रैक्शन नहीं है, ये इंटीजर है, क्यों, क्योंकि 10^18 प्लस में है, इसका मतलब n जो है वो कितना है, 6.25 × 10^16 इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ क्या, तो ये इतने इलेक्ट्रॉन्स ये इंटीजर्स में ट्रांसफर हो रहे हैं। इसका मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर 1 कूलम्ब का चार्ज चाहिए, मान लो मैं बोल रहा हूं कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे 1 कूलम्ब का पॉजिटिव चार्ज चाहिए, अगर 1 कूलम्ब का पॉजिटिव चार्ज चाहिए तो 6.25 × 10^18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तुमको वहां से बाहर निकालने पड़ेंगे। अब ये 6.25 × 10^18 ये तो बहुत ही छोटा वैल्यू है ना, 10^18 ये तो कुछ है ही नहीं सर हमारे सामने, हमारे इमेजिनेशन तो बहुत बड़ा बड़ा है इसके सामने। अब अगर मुझे 1 कूलम्ब का चार्ज बनाना है, 1 कूलम्ब के चार्ज बनाने के लिए जो मुझे इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकालना पड़ता, वो इलेक्ट्रॉन मुझे कितना बाहर निकालना पड़ रहा है, मुझे 6.25 × 10^18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालने होते तब जाके ऑब्जेक्ट पर 1 कूलम्ब का चार्ज आता। अब दिस 6.25 × 10^18 इज अ वेरी बिग नंबर, ठीक है, ये 6.25 × 10^18 अगर बहुत बड़ा नंबर है, इसका मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पर 1 कूलम्ब का चार्ज डेवलप कराना बहुत मुश्किल है क्या। मान लो मैं बोल रहा हूं कि ऑब्जेक्ट है जिसमें -1 कूलम्ब का चार्ज मुझे डेवलप कराना है, इसका मतलब मुझे उसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करना पड़ेगा,
मुझे उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा 6.25 × 10^18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मुझे उसको देने पड़ेंगे क्या? बात समझ में आ रहा है क्या? इसीलिए जो चार्ज का एसआई यूनिट है वो बहुत कम यूज होता है, जो चार्ज का एसआई यूनिट है वो क्या होगा, बहुत कम यूज होता है। अब बहुत कम क्यों यूज होता है? क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट में 1 कूलम का चार्ज डेवलप कराना बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं बोलेंगे कि इम्पॉसिबल है, लेकिन 1 कूलम का चार्ज डेवलप कराना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम क्या करेंगे ना, चार्जेस जब भी हम पढ़ेंगे तो कुछ छोटे छोटे मैग्नीट्यूड्स के चार्जेस, मतलब छोटे यूनिट ऑफ चार्जेस देखेंगे जो हमारे काम में आते हैं। तो जनरली आप देखना, जब भी आप चार्जेस के बारे में पढ़ोगे, तो जो यूनिट्स होंगे, यूनिट्स यूज्ड, इस चैप्टर में हम जो चार्जेस के यूनिट यूज करेंगे वो क्या हो जाएगा, वो होगा नैनो कूलम, माइक्रो कूलम, पिको कूलम, इस तरह से हो सकता है। नैनो कूलम का मतलब हो गया 10^-9 कूलम, माइक्रो का मतलब होता है 10^-6 कूलम, पिको का मतलब हो जाएगा 10^-12 कूलम, और एकदम ही कोई गिरा हुआ पेपर सेट कर रहा है, मतलब एकदम निहायती बदतमीज इंसान है, वो क्या लिख देगा, पिको हो गया ना, पिको के बाद फेम्टो लिख दो, फेम्टो कूलम, फेम्टो कूलम मतलब क्या हो जाएगा 10^-15 कूलम, इससे ज्यादा नहीं आता, ठीक है, एम्सोंग एम्सोंग भी लगा सकते हैं। तो जो चार्जेस के यूनिट जो हम यूज करने वाले हैं वो क्या होगा, नैनो कूलम, माइक्रो कूलम, पिको कूलम, फेम्टो कूलम, और इसका रिलेशन कैसा है, तो नैनो का मतलब 10^-9 होता है, माइक्रो का मतलब 10^-6 होता है, और पिको का मतलब 10^-12 होता है, जो बेसिकली क्वेश्चंस में यूज में आते हैं। बात समझ में आ रहा है क्या? तो ये पूरी कहानी थी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में। अब ये पूरी कहानी जो है इसमें क्वेश्चन आते हैं, भाई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस है। अच्छा, इसके बाद एक और प्रॉपर्टी देखते हैं, एक और प्रॉपर्टी क्या है चार्जेस का, अगर तुम्हें पता हो तो आइंस्टाइन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है, उसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट का मास चेंज करता है क्या? अभी मेरे को नहीं पता आपने ज्यादा डिटेल में पढ़ा है या नहीं, लेकिन केमिस्ट्री में शायद थोड़ा बहुत उन्होंने सिखाया होगा। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से जब ऑब्जेक्ट का मास बहुत, ऑब्जेक्ट का स्पीड बहुत ज्यादा हो जाता है कंपेरेबल टू दैट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, तो ऑब्जेक्ट का जो मास है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाता है क्या? अच्छा, अब अगर ऑब्जेक्ट का मास चेंज हो रहा है तो क्या चार्जेस भी चेंज होते हैं क्या? नहीं। चार्जेस के केस में याद रखना कि द वैल्यू ऑफ चार्जेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड ऑफ द चार्जेस, मतलब कितना भी स्पीड हो जाए, आप इलेक्ट्रॉन को कितने भी ज्यादा स्पीड से प्रोजेक्ट कर दो, उसका स्पीड, उसका जो चार्ज का वैल्यू है वो कभी नहीं चेंज होगा। 1.6 × 10^-19 कूलम का ही चार्ज रहने वाला है कितने भी हाई स्पीड से इलेक्ट्रॉन मूव करे, लेकिन अगर आप उसको, इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा स्पीड से मूव कराओगे तो उसका जो मास है, उसका मास जो होता है वो क्या होता है, चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। तो लास्ट में आप क्या लिख लोगे, एक और प्रॉपर्टी जो है हमारे पास, ऐसा लिख लेना कि चार्जेस, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड ऑफ द चार्जेस, ठीक है, ऐसा एक प्रॉपर्टी लास्ट में चार्जेस के बारे में लिख लेना। आई होप ये तुमको समझ में आया है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। इसके अलावा मेरे को नहीं लगता और कोई प्रॉपर्टीज होगी, या और भी हो सकती है, पता नहीं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो तो यही है भाई। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं, तो हम क्या करेंगे, हम बात करेंगे कूलम्स लॉ के बारे में। हम क्या करेंगे, इसमें जो चैप्टर में, अभी तक चैप्टर में थ्योरी थ्योरी कहानी कहानी चल रही थी, अब क्या करने वाले हैं, सबसे पहला लॉ सीखेंगे जिसका नाम क्या है, कूलम्स लॉ। कूलम हमारे साइंटिस्ट हैं, COULOMB, LOUMB होता है, कूलम्स लॉ, ठीक है। अब ये जो कूलम भाई साहब थे हमारे, ये इन्होंने बताया क्या हमें, देखो हमें ये तो पता है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस से, मुझे ये पता है कि दो एक जैसे चार्जेस के बीच में रिपल्शन होना है और दो ऑपोजिट नेचर के चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन होना है, ये प्रॉपर्टीज है, हमने ये तो जान लिया ना। लेकिन अगर दो एक जैसे चार्जेस के बीच में दुश्मनी है तो कितनी दुश्मनी है ये जानना भी तो इंपॉर्टेंट है ना। या मैं अगर ऐसा बोल रहा हूं कि दो अनलाइक नेचर के चार्जेस के बीच में प्यार है
तो कितना प्यार है ये जानना भी इंपॉर्टेंट है। अब कितनी दुश्मनी है या कितना प्यार है ये जानना है, इसका मतलब दोनों चार्जेस के बीच में जो इंटरैक्टिंग फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना भी इंपॉर्टेंट है। क्या बात समझ में आ रहा है? तो उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए ये जो कुलम हमारे बड़े भाई साहब थे, इन्होंने क्या किया था, कुछ सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट किया था। अब कुछ सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, एक्सपेरिमेंट किया, कुछ सही बातें आई, कुछ गलत बातें आई। तो हम क्या करने वाले हैं, जो एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन था बस वही मेरे काम का है। उन्होंने क्या देखा कि अगर दो चार्जेस हैं हमारे पास Q1 और Q2, दो चार्जेस हैं हमारे पास Q1 और Q2, और इनको अगर किसी स्मॉल r सेपरेशन पे रखा गया है, ठीक है, इनको अगर किसी स्मॉल r सेपरेशन पे रखा गया है, तो इन दोनों के बीच में, अब देखो Q1 Q2 पॉजिटिव होंगे नेगेटिव होंगे मुझे नहीं पता, बस मैंने दो चार्जेस रख दिए Q1 Q2, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा वो तो उसके नेचर पे डिपेंड करेगा, लेकिन कितना अट्रैक्शन है और कितना रिपल्शन है अगर वो कैलकुलेट करना है, तो उन्होंने क्या देखा कि जो फोर्स होगा, कौन सा फोर्स, कौन से फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, इस तरह के फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो कुलम भाई साहब थे उन्होंने क्या देखा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के। इसका मतलब अगर तुम Q1 और में से किसी के भी चार्ज को अगर इंक्रीज कर दोगे तो जो फोर्स ऑफ रिपल्शन या जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या देखा, दूसरा पॉइंट उन्होंने ऐसा देखा कि ये जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इनके बीच की दूरी की। इसका मतलब अगर दूरी को डबल कर दिया जाए, अगर दूरी को डबल कर दिया जाए तो ये जो फोर्स होगा वो 4 times से डिक्रीज हो जाएगा। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने ये देखा कि जो फोर्सेस हैं वो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहे हैं और इनवर्सली डिपेंड कर रहे हैं वो सेपरेशन ऑफ द चार्जेस के स्क्वायर पर। इनको अगर कंबाइन कर दिया जाए, ऊपर वाला स्टेटमेंट और नीचे वाले स्टेटमेंट को अगर कंबाइन कर दिया जाए, तो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 upon r² पर। जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 upon r² पर। अच्छा, अब अगर मुझे फिजिक्स में कभी भी ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन अगर हमें हटाना होता है, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए क्या करते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं क्या, तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, कांस्टेंट लगा देंगे। अब कांस्टेंट यहां पे कैसा लगा रहे हैं, F=1/4π, इसको क्या बोल रहे हैं, एप्सिलॉन, ठीक है, अभी लिख लो एप्सिलॉन नॉट, धीरे धीरे समझ में आएगा ये क्या लिख रहे हैं, 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 upon r² ये फोर्स का मैग्नीट्यूड, फोर्स कैलकुलेट करने के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है, 1/4π ε0 Q1 Q2 upon r² अब ये जो एप्सिलॉन नॉट है ना यहां पर, अभी ये भारी भरकम सा टर्म लग रहा होगा, इसको अभी के लिए याद कर लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। अब स्टार्टिंग में ना ये दो चार्जेस उसको हमेशा वैक्यूम पे रखेंगे, ठीक है, स्टार्टिंग में ये दोनों जो चार्जेस हैं उनको क्या करने वाले हैं, हमेशा वैक्यूम में रखने वाले हैं। तो यहां पे एप्सिलॉन नॉट जो है वो क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम है। इसको बस इतना समझ लो कि इन एक्चुअल में हमने क्या देखा, एक तो ये देखा ना कि जो फोर्स है वो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा जो फोर्स है वो सेपरेशन के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक और फैक्टर होता है, फैक्टर क्या है कि इन दोनों चार्जेस के बीच में कौन सा मीडियम है, इस पर भी फोर्स डिपेंड करता है, और वो जो मीडियम वाला फैक्टर है वो यहां से आता है। बात समझ में आ रहा है क्या? अभी के लिए तो आपको ये मान लेना है, अभी के लिए क्या मान लोगे कि जो फोर्स है, फोर्स का फॉर्मूला है 1/4π ε0 Q1 upon Q2 upon r², ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब दोनों चार्जेस को मैंने कहां पर रखा है, मैंने दोनों चार्जेस को वैक्यूम में जब रखा होगा तो फोर्स का फॉर्मूला है 1/4π ε0। अच्छा, अब ये जो कांस्टेंट है ना 1/4π ε0, इसका एक वैल्यू होता है, एप्सिलॉन नॉट का भी वैल्यू है और एप्सिलॉन नॉट से 1/4π ε0 का भी वैल्यू आता है। अभी वैल्यूज याद रख लेना है,
ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये तीन फैक्टर्स पे बेसिकली फोर्सेस डिपेंड करते हैं। पहले दो फैक्टर्स हैं प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, दूसरा फैक्टर है सेपरेशन, और तीसरा फैक्टर है इनके बीच का मीडियम, व्हाट इज द मीडियम इन विच द चार्जेस आर केप्ट। ठीक है, अब हमेशा के लिए अभी याद कर क्या कर लेंगे, एप्सिलॉन नॉट जो है इसका वैल्यू होता है कितना होता है यार, 12.85 होता है शायद। अब एग्जैक्ट वैल्यू क्या होता है, एग्जैक्ट वैल्यू आप देख लेना, 12.85 होता है, कुछ ऐसा वैल्यू होता है, मुझे याद नहीं, 12.85 भूल गया यार मैं वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कुछ होता है मुझे याद नहीं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसका वैल्यू होता है 9 × 10^9 एसआई स्टैंडर्ड्स में, 9 × 10^-9 होता होगा, 9 × 10^-9 एसआई यूनिट्स में, और किसी यूनिट्स में मैं बात नहीं करने वाला, सिर्फ एसआई यूनिट्स में अगर मैं बात करूंगा तो ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है इसका वैल्यू कितना है, 9 × 10^+9, और इसका भी कुछ वैल्यू होता है 10^-12 ऐसा कुछ होता है वैल्यू, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है। अपने को क्या करना है, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो अभी तो स्टार्टिंग में जब चार्जेस रखे होंगे तो वैक्यूम में ही रखे होंगे, तो मीडियम के बारे में हम चिंता नहीं करेंगे, हम क्या बोलेंगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन जब भी आएगा तो वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना 9 × 10^9। बात समझ में आ रहा है क्या? तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आज मैंने कुछ इतना कोई खास नहीं पढ़ाया है, लेकिन आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, चलो।